है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल सो माइंड चैनल में। और दोस्तों आप परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, मुझे ऐसे आपसे उम्मीद है। और दोस्तों जैसा मैंने आपसे प्रोमिस किया है कि हम मैं अपनी उत्तराखंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो सीरीज है उसमें से दोस्तों 15+ क्वेश्चन आपके राइट करा दूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो मैंने टारगेट बना के चला हुआ है, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपने अभी तक अपलोड की हुई वीडियो ना देखी हो फॉरेस्ट गार्ड संबंधित, तो दोस्तों नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। 15+ क्वेश्चन दोस्तों मेरा टारगेट है कि यहाँ से मिले ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में लोकगीत की। मैं सिर्फ वही टॉपिक उठा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लोकगीत के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज। और इससे पहले दोस्तों मैंने लोक नृत्य वाली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, अगर आपने ना देखी हो तो वो भी देख ले। और इससे जो अगली वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों, मिलेगी उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, ये दोस्तों वीडियो इसके बाद आएगी, आई मीन कल सुबह को आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी उत्तराखंड के लोक नृत्य, ठीक है। इनबॉक्स मैंने बना दिए, सॉरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देख सकते हो दोस्तों। इसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड संबंधित इसमें पहली सीरीज है जिसमें मैंने बता रखा है 15+ टारगेट है, और दूसरी वीडियो दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सेनापति और उसके शासक, और ये हिंदू वाली वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई जिसे जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से मिलेगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं, आज मैंने जो स्टार्ट किया है उत्तराखंड के प्रमुख लोक गीत। लाइक करनी, शेयर करनी, सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो दोस्तों, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली बार आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा आपको वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं अगर बात करूँ झुमेलों की कि झुमेला गीत क्या होता है, तो दोस्तों झुमेले जो गीत का जो संबंध है दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से है दोस्तों। एक लविंग गीत है जो दोस्तों नारी वेदना के बारे में वर्णित होता है, यानी कि लड़कियां से गाती हैं, और एक लविंग गीत है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि झुमेलो गीत की क्या क्या किस प्रकार की शैली है, तो आपको बताना है कि लविंग गीत है और स्पेशली गर्ल्स गाती हैं, यानी लड़कियाँ गाती हैं, फीमेल गाती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलिए दोस्तों नीचे देख लेते हैं, खुदेड़ गीत का संबंध किससे है, तो दोस्तों खुदेड़ गीत होता क्या है दोस्तों, ससुराल में क्या होता है जब लड़की को मायके की याद आ जाती है, जब ससुराल में शादी होगी तो लड़की को मायके की याद आएगी, और लड़की जो गाएगी इसे घर की याद में गाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों लविंग गीत हो गया, एक प्रकार से लविंग पंडित गीत हो गया, और इसे भी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट गाती है। चलिए दोस्तों चौफुला, चौफुला यानी कि दिल खुश हो गया, दिल फूल गया, क्यों दोस्तों, इसमें क्या होता है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं, और कैसा है दोस्तों लविंग गीत है, और दोस्तों डांस भी करते हैं प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कुलाचार, दोस्तों जो कुलाचार या जैसे विरोधावली भी कहा जाता है, क्या कहता है विरोधावली, यानी क्या होता है विरोध करती है स्पेशली जनजाति करती है दोस्तों, कौन सी जनजाति, ओरी जनजाति, ये एक प्रकार से विरोधावली या जातिगत गीत है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों बसंती गीत, दोस्तों बसंती गीत आप सभी को पता है किस प्रकार दोस्तों, एक प्रकार से ऋतु गीत है, बसंत में दोस्तों बसंत आ गया, आप वहाँ से पकड़ सकते हैं कैसा गीत है, एक प्रकार से ऋतु गीत है, और होता क्या दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर जो किशोरियाँ यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं दोस्तों फूल फाल इकट्ठा करती है, कहाँ पर आंगन में, आंगन मतलब घर के एकदम फर्स्ट गेट पर जो मेन गेट होता है वहाँ पर, यहाँ पर क्या करेगी फूल फाल करेगी, और इस प्रकार से थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा एक प्रकार से इकट्ठा करके आपस में गीत वीत गाएंगे, ठीक है। इसे बोलता जाता है बसंती गीत, ऋतुओं के बारे में गाया जाता है, लड़कियाँ गाती हैं, ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र स्पेशली। लामण गीत, दोस्तों लामण गीत लगन के लिए गाया जाता है, एक ये भी क्या होता है दोस्तों परिणाम गीत है, और इसे भी फीमेल कैंडिडेट प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तीन प्रकार से बनेंगे, पहले तो पूछेगा कि किस प्रकार का गीत है, कौन गाता है, कहाँ गाया जाता है, ये तीन चार प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों दोस्तों छोपति, छोपति गीत यानी कि दोस्तों क्या है कि संयोग यानी कि मिलन गीत है, और एक प्रकार से लविंग गीत है, ठीक है। रवाई क्षेत्र यानी कि दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में ये गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर क्षेत्र वही आ गया आपका देहरादून वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों छपेली, दोस्तों छपेली भी एक लविंग गीत है, और इसे भी फीमेल कैंडिडेट प्रस्तुत करती है अपने हस्बैंड या अपने फ्रेंड की याद में, ठीक है। लास्ट दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजूला मालूसाही दोस्तों इम्पोर्टेंट उत्तराखंड में जो दोस्तों लौकिक हमारी गाथाएं हैं, जो प्रचलित लौकिक गाथा है, उनमें दोस्तों राजूला मालूसाही एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। से पड़वे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है पड़वे, यानी कि क्या आता है पौराणिक जो लोक गाथाएं होती है उसे पड़वे भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, चौमासा। चौमासा देखते हैं, बिना देखो लगा दो किस प्रकार के गीत है दोस्तों, ऋतु गीत है। और ध्यान रखना यह दोस्तों बारहमासा गीत, इस पर काफ़ी ज़्यादा गाया जाता है कहाँ, गढ़वाल क्षेत्र में, वही बेड़ पाको बारहमासा कपल पाको छेता मेरी छेला, उस तरीके से उससे वो गाना है। ठीक है चलिए नीचे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एक आपने सब सुना होगा जागर, जागर क्या होता है दोस्तों, तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ जागर क्या होता है। जागर होता है दोस्तों एक आराधना होती है जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, भगवान ने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक विशेष प्रकार की चौकी लगाकर उसकी आराधना करते हैं जिसमें दोस्तों भूत बात भी उतारा जाता है। ठीक है तो जागर हो गया दोस्तों, पुरानी बातें देवी देवताओं की लोकगाथा है जिसमें दोस्तों पांडव या जागर, पांडव जागर भी होती है, गंगनाथ जागर होती है और भैरवनाथ जागर होती है। दोस्तों हमारे यहाँ परिचित जागर है, क्वेश्चन आ सकता है कि परिचित जागर कौन कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना पांडव जागर, गणनाथ जागर और भैरव जागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है, पट गीत। पट गीत दोस्तों क्या होते हैं, पट गीत दोस्तों उपदेशक गीत होते हैं, यानी होता क्या है मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे गार्जियंस होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं जैसे बुजुर्ग वगैरह हो गए, वे नए बच्चों को बताते हैं, उपदेश देते हैं कि किस तरीके से आपको क्या कार्य करना है, किस तरीके से आपको लाइफ जीनी है। तो पट गीत यानी कि हमें क्या करते हैं, एक प्रकार से उपदेश देते हैं हमारे जो गार्जियंस होते हैं। ठीक है इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, चूरा गीत क्या है, दोस्तों चूरा गीत से बनेगा चरवाहे, क्या बनेगा दोस्तों चरवाहे, यानी कि दोस्तों जो हमारे ओल्ड चरवाहे होते हैं वो नए चरवाहों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है, क्या चरवाहे का जो कार्य करना है वो किस प्रकार से करना है। तो यानी कि जो हमारे ओल्ड होते हैं चरवाहे वो नए चरवाहों को सिखाते हैं इसमें, किसके माध्यम से, चूड़ा गीत के माध्यम से। दोस्तों अगला कौन सा है, झोड़ा गीत। तो झोड़ा गीत दोस्तों सामूहिक गीत है, इसमें क्या होता है दोस्तों हस्बैंड वाइफ यानी कि एक फीमेल और मेल दोनों इस चीज़ को क्या करेंगे दोस्तों, इसे गाएंगे। ठीक है ध्यान रखना, ठीक है ये डांस भी है एक प्रकार से। अगर दोस्तों चाचरी गीत, तो दोस्तों चाचरी गीत ध्यान रखना ये भी क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाचरी गीत इसे क्या करेगा, इसमें फीमेल प्लस मेल कैंडिडेट दोनों गाएंगे और डांस भी करेंगे, तो डांसिंग नृत्य भी। ठीक है चलिए दोस्तों क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था वीरों की जीवनी पर आधारित, कौन सा दोस्तों पावड़िया जागर बोला जाता है, पावड़े और कुमाऊं में क्या कहा जाता है, भड़ो या कटकू। दोस्तों होता क्या है इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों होता क्या है हमारे यहाँ जो हमारे वीर जवान होते हैं उनकी जीवनी के लिए हम क्या कहते हैं दोस्तों पावड़े गाते हैं, क्या गाते हैं पावड़े। अब पावड़े दोस्तों होता क्या है आपको पता होना चाहिए, पावड़े क्या होते हैं जो वीरों के लिए गाते हैं। ठीक है और मैं बात करूँ गढ़वाल क्षेत्र में पावड़े कहा जाता है, अगर मैं बात करूँ कुमाऊं में, दोस्तों कुमाऊं में भड़ो कहा जाता है, भड़ो या कटकू। ठीक है इसका इसका जो संबंध होता है किससे होता है, वीरों से होता है, जो वीरों की जो जीवनी होती है उससे होता है। चलिए यानी कि जो हमारे ओल्ड वीर है जैसे हमारे दरबान सिंह नेगी हो गए, गब्बर सिंह नेगी हो गए, इस प्रकार के उनकी उनकी क्या गाई जाती है, उनके दोस्तों उनके पावड़े गाए जाते हैं, उनकी भड़े या कटकू गाई जाती है, ताकि जो और बच्चे जो नए जनरेशन उनसे सीख लें और उस क्षेत्र में अपना योगदान दें। ठीक है लास्ट दोस्तों लास्ट क्या है दोस्तों, थड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट दोस्तों, थड़ा नृत्य दोस्तों नृत्य भी और डांस भी है ये, इसमें क्या होता है दोस्तों जब प्रथम बार लड़की अपने घर आती है ना, चल्ला चुल्ला करते हैं मिलाने के लिए कहते हैं, यानी कि ससुराल से जब प्रथम बार अपने मायके आती है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट बसंत पंचमी पर, कब दोस्तों बसंत पंचमी पर, अगर ये सहयोग बनता है तो दोस्तों थड़े नृत्य और गीत गाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों नृत्य और गीत दोनों ही है, ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों मैं अगर बात करूँ ठुल खेल की, तो जो ठुल खेल इंपॉर्टेंट है, होता क्या है दोस्तों इसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर, जब जन्माष्टमी होती है दोस्तों इसमें उसमें पुरुषों द्वारा दोस्तों ये अवसर पर गाया जाता है, होता क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पुरुष इस साइड बैठ जाएंगे, कुछ पुरुष इस साइड बैठ जाएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे गीत के माध्यम से, इसे बोला जाता है ठुल खेल। ठीक है दोस्तों तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया था, काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों होता क्या है दोस्तों मैंने आप क्वेश्चन भला ही कम हो लेकिन मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करके आपके बीच वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग कर देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। ठीक है आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करना है और लाइक करना है दोस्तों अगर आपको प्रयास अच्छा लगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत की जाती है एक वीडियो को बनाने में, वीडियो का आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग अपलोड डाउनलोडिंग बहुत दोस्तों प्रॉब्लम होती है, तो एक लगे आप लाइक कर देते हो दोस्तों दिल खुश हो जाता है। ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है आप सपोर्ट करोगे तो दोस्तों आप मैं ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू बना के रखूँगा अगर आप सपोर्ट करते रहोगे। ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो लेकर, और इस सीरीज़ में दोस्तों मेरा जो आपसे वादा है 15 में से 15 इस वीडियो की जितनी भी इसमें वीडियो डल जाएगी 20-25 जितनी भी वीडियो डलेगी सीरीज़ में 15+ क्वेश्चन आपको फंस जाए
फॉरेस्ट गार्ड या अन्य जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी, तब तक के लिए अपना तैयारी बना कर रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बस ऐसे सपोर्ट करते रहें, ठीक है। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय।